Good evening, students. Good evening, sir. Good evening. Today I am going to start. Compound. Compound done. Okay. Now, next mixture. Importance of formula. ठीक है. एटम्स एंड आई टोल्ड यू एटम्स एंड मॉलिक्यूल बताया था. एटम्स एंड मॉलिक्यूल क्या होता है. ठीक है. देखो हियर कंपाउंड हमने कर लिया था. यस सर. डन. यस सर. नेक्स्ट अब आएंगे मिक्सचर. ठीक है. व्हाट इज मिक्सचर. मिक्सचर स्टार्टेड. मिक्सचर मिक्सचर लिखो रणदीप. मिक्सचर मिक्सचर क्या होता है. देखो इन कंपाउंड कंपाउंड में क्या होता है. हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट को किसी रेशियो में मिला देते थे है ना. कंपाउंड को कंपाउंड में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को एक फिक्स रेशियो में मिलाते थे. जैसे हमने वाटर का बात बोला था ना कि जैसे हम कंपाउंड लिखते हैं कंपाउंड में हमने डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बोला था. ठीक है. अलग अलग प्रत्यूष आपका रिकॉर्ड भी हो रहा है और आपका बहुत ज्यादा बात भी हो रहा है. कंट्रोल करो आपका साउंड जा रहा है ना. कंपाउंड कंपाउंड में बहुत सारा कंपाउंड लाइक H2O NH3 अमोनिया ये सारा क्या है कंपाउंड. CO2 ये कंपाउंड है. ठीक है. बहुत सारे कंपाउंड्स है ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स है. तो कंपाउंड्स में क्या होता है उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है. जैसे मान लो वाटर को बनाने वाला क्या है हाइड्रोजन ऑक्सीजन. इसको जब तक आप 2 और 1 के रेशियो में नहीं मिलाओगे वाटर मिलेगा बनेगा नहीं. समझे. मतलब कि अगर आपको हाइड्रोजन लेना है तो 2 लीटर और ऑक्सीजन 1 लीटर. अगर हाइड्रोजन लोगे 4 लीटर ऑक्सीजन 2 लीटर. मतलब आपको जो भी है बाई वॉल्यूम वॉल्यूम अगर लेना है तो इस रेशियो में मिलाना है. और अगर आपको मास में मिलाना है तो 1:8 के रेशियो में मिलाना होगा. मतलब आपको कंपाउंड बनाने के लिए उसको कॉन्स्टिट्यूएंट को एक रेशियो में मिलाना होगा. एक फिक्स रेशियो में मिलाना होगा. समझ आया. हाँ तो 2 का आधा ले लिए तो यहाँ 1 हुआ तो इसका भी हाफ करना पड़ेगा 1/2. लेकिन एटम का हाफ नहीं ना होता है इसलिए जो है 2:1 के रेशियो में ही मिलाओ. ठीक है. अगर मान लो कि 1 लीटर हाइड्रोजन लोगे तो फिर 1/2 लीटर ऑक्सीजन लेना पड़ेगा. बट वैसा लेंगे नहीं वो एक फुल मतलब एक होल नंबर में ही लेंगे. समझ में आ गया. तो ये देखो कंपाउंड बनाने के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को फिक्स रेशियो में मिलाना पड़ेगा. उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट को फिक्स रेशियो में मिलाना होगा तभी जाके कंपाउंड बनेगा. समझ में आ रहा है. अब किसी भी क्वांटिटी में मिला दोगे तो नहीं बनेगा. ठीक है. फिक्स क्वांटिटी में ही मिलाना होगा. जब तक इसको फिक्स क्वांटिटी में नहीं मिलाओगे कंपाउंड बनेगा नहीं. कंपाउंड की यही प्रॉपर्टी होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को एक फिक्स रेशियो में मिलाना होता है. पहला नंबर. और दूसरा नंबर कंपाउंड का जो गुण होता है जो प्रॉपर्टी होता है उसके किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ मैच नहीं खाता है मिलता नहीं. जैसे हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी क्या होता है. हाइड्रोजन खुद जलता है एक जलने वाला गैस है. ऑक्सीजन जलने में सपोर्ट करता है. बट अगर इससे ही वाटर बना हुआ है वाटर का उल्टा प्रॉपर्टी होता है वो बुझाता है इस सब चीज को. तो कोई प्रॉपर्टी मैच नहीं किया. वाटर का प्रॉपर्टी ना तो हाइड्रोजन से मैच किया ना तो ऑक्सीजन से मैच किया. बन तो इसी से रहा है ना. तो कंपाउंड क्या होता है. कंपाउंड का एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होता है. इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बिल्कुल मैच नहीं खाता. ना अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन को 1 और हाइड्रोजन को 3 के रेशियो में मिलाना होगा 1:3. कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कार्बन को 1 ऑक्सीजन को 2 के रेशियो में मिलाना होगा. मतलब कि कंपाउंड बनाने के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को फिक्स रेशियो में मिलाना होता है तभी कंपाउंड हमारा बनता है. और कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होता है बिल्कुल डिफरेंट होती है उसके किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से मिलती नहीं है. ठीक है. जैसे अमोनिया का प्रॉपर्टी नाइट्रोजन से मिलेगा ना हाइड्रोजन से. कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टी ठीक है कार्बन से मिलेगा नहीं ऑक्सीजन से कुछ अलग हटके होगा. इसका एक यूनिक प्रॉपर्टी मतलब कंपाउंड में का जो प्रॉपर्टी होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बिल्कुल हट करके होता है. समझ में आ गया. क्लियर. अब इसके बाद हम आ जाएंगे कंपाउंड तो हमने बता दिया था. इस बाद हम आ जाएंगे मिक्सचर. मिक्सचर मिक्सचर क्या होता है. मिक्सचर में कोई टेंशन नहीं लेना. अलग अलग सब्सटेंस को किसी भी रेशियो में जाके मिला दो. कोई फिक्स रेशियो नहीं. थोड़ा सा मान लो हमने चॉक ले लिया पाउडर ले लिया थोड़ा सा मान लो गोल्ड पाउडर ले लिया थोड़ा सा हमने सैंड ले लिया
थोड़ा सा उसमें वाटर मिला दिया, थोड़ा सा कुछ मिला दिया, थोड़ा सा कुछ मिला दिया, ऐसे मिला दिया, वो मिक्सर बन गया। उसको कोई रेशियो में मिलाना नहीं होता किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट को, वो मिक्सर बन जाता। समझ में आ गया? मिक्सचर में क्या होता है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी, मिक्सचर में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी मिलती है। जैसे कंपाउंड में उसको कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी, बट मिक्सचर में उसको कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे अगर मान लो कि थोड़ा सा सैंड ले लिए और थोड़ा सा चॉक पाउडर ले लो, थोड़ा सा कोयला, कोल मिला दिए, ठीक है, उसके बाद उसका टेस्ट करोगे तो क्या होगा पता है? उसमें थोड़ा सा टेस्ट कोल का भी लगेगा, थोड़ा सा बालू का भी टेस्ट लगेगा, थोड़ा सा चौक का भी लगेगा, तो सभी कुछ पता चलेगा ना उसमें। तो क्या वो जो मिक्सचर बना उसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी पता चल गया ना? बट वाटर पीते हो तो क्या बोलते हो कि ये क्या ऑक्सीजन है? ठीक है, अगर हम पानी पीते हैं तो क्या देखते हैं? उसमें ऑक्सीजन है। इधर इधर ऑक्सीजन का टेस्ट, इधर का इसका नहीं ना, वो तो यूनिक टेस्ट होता है ना। बट अगर हम ऐसे बट हम मिक्सचर को टेस्ट करते हैं, मिक्सचर को हम फील करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, तो उसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी पता चलती है। बट कंपाउंड में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी पता नहीं चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मिक्सचर लिखेंगे तो मिक्सचर क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड मिले होते हैं, किसी भी रेशियो में मिले होते हैं, कोई फिक्स रेशियो में नहीं मिले होते हैं। ठीक है, सो आई विल राइट व्हाट इज मिक्सचर। नाउ मिक्सचर, अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस इन विच अ मिक्सचर इज अ substance in which ये which है, ठीक है, in which WHICH in which two or more elements or compounds ठीक है कंपाउंड और कंपाउंड नॉट केमिकली कंबाइंड टूगेदर नॉट केमिकली कंबाइंड टूगेदर बार बार नॉट केमिकली कंबाइंड टूगेदर, वो एक दूसरे से केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं। ठीक है, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, क्या अमिक्सचर इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। एक मिक्सचर जो होता है वो प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो एक से ज्यादा मतलब अलग अलग टाइप के मतलब पार्टिकल्स को कंटेन करते हैं, एक से ज्यादा पार्टिकल। अब जैसे मान लो कि हमने अभी एग्जांपल लिया था सैंड, थोड़ा सा सैंड पार्टिकल कंटेन करता है, और वो चारकोल का भी, चौक का भी मिक्सचर है, तो चौक का भी एटम होगा, चारकोल का भी एटम होगा, सैंड का भी एटम होगा, ऐसे हमने मिला दिया तो वो क्या हो गया, उस मिक्सचर में सब कुछ है, तो इसका मतलब मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस हो गया, उसमें एक या उससे ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल हैं, एटम्स हैं, इसीलिए वो इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। समझ में आ गया? क्लियर कि एक मिक्सचर प्योर सब्सटेंस नहीं होता है क्योंकि उसमें एक या उससे ज्यादा डिफरेंट टाइप के एटम्स मिले होते हैं, एक या उससे ज्यादा। जैसे कि अगर हमने मिक्सचर बना दिया, उसमें सैंड के भी एटम मिले हो सकते हैं, चॉक पाउडर के भी एटम मिले हो सकते हैं, कोल के भी एटम मिले हो सकते हैं, तो वो प्योर सब्सटेंस हो ही नहीं सकता। प्योर सब्सटेंस वही होता है जिसमें यूनिकली एक ही टाइप के एटम मिले होते हैं। जैसे वाटर ले लो, वाटर में थ्रू आउट H2O मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन होता है। समझ में आ रहा? H2O मॉलिक्यूल छोड़कर कुछ नहीं होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक फिक्स रेशियो में होता है। क्लियर? दैट इज व्हाई वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस, नॉट मिक्सचर। कोई मिक्सचर प्योर सब्सटेंस हो ही नहीं सकता। क्लियर?
तो जितने भी मिक्सचर होते हैं वो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, क्योंकि वो एक या उससे ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स को कंटेन करते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में। तो हमने लिखा मिक्सचर इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस बिकॉज, क्यों नहीं है, बिकॉज बिकॉज मिक्सचर कंटेन मोर देन टू, ठीक है, मिक्सचर कंटेंट टू लिखो, टू के बाद या फिर यहां टू के बाद और लगा दो, ये लाइन यहां लिख देना, ये पॉइंट, टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इन एनी प्रोपोर्शन, कोई प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में मिले होते हैं। तो इसीलिए मिक्सचर को प्योर सब्सटेंस हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है। और मिक्सचर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो मिक्सचर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है मिक्सचर की, ठीक है। मिक्सचर का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है देखो, मिक्सचर का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है देखो, उसको मिटाता हूँ, ठीक है सर, लास्ट पॉइंट है। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, तो हमने अभी अभी कुछ प्रॉपर्टी बोला था, उसको मैं लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मिक्सचर का, वो किसी भी रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर ठीक है आर प्रेजेंट इन एनी रेशियो, कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्सचर आर प्रेजेंट इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, किसी भी रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर को हम लोग किसी भी फिजिकल मेथड से हो या फिर कोई केमिकल मेथड से हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं, मिक्सचर को आराम से सेपरेट कर सकते हैं। अरे हम लोग वाटर में सॉल्ट मिला देंगे, ठीक है, फिर वाटर को इवेपोरेट करते जाएंगे, सॉल्ट अलग वाटर अलग, ठीक है। चॉक में हम लोग सैंड मिला देंगे, उसको भी आराम से सेपरेट कर सकते हैं, मतलब मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट को आप सेपरेट कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, बट वाटर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तो अलग नहीं कर सकते ना। तो कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करना आसान नहीं है, बट मिक्सचर का सब कर सकते हो, ठीक है, वही यहां पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, कैन बी सेपरेटेड इजिली, वो आसानी से उसको सेपरेट कर सकते हैं, मिक्सचर को कॉन्स्टिट्यूएंट को किसी भी रेश मतलब खूब आराम से सेपरेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके सेपरेशन में, ठीक है। सेपरेट कैन बी सेपरेटेड इजिली, एक लाइन और जोड़ दो, कैन बी सेपरेटेड इजिली के बाद इजिली बाय एनी फिजिकल बाय एनी फिजिकल मैथड, या बाय एनी हटा दो, बाय फिजिकल मैथड ज्यादा अच्छा होगा, बाय फिजिकल मैथड, इसको आसानी से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, खूब आराम से हट जाएगा, ठीक है। फिजिकल मैथड से या फिर केमिकली भी कर सकते हो, ठीक है, फिजिकली ही सेपरेट कर दोगे तो केमिकल मैथड का जरूरत क्या,
यू कैन सेपरेट इट फिजिकली फिजिकली कर लो, केमिकली का क्या, ऐसे केमिकली कर सकते केमिकल मेथड से, हाँ नॉट अ प्रॉब्लम। नंबर थ्री ये हो गया। उसके बाद मिक्सचर का कोई अपना कोई प्रॉपर्टी नहीं होता, खुद का कोई प्रॉपर्टी नहीं होता, ठीक है। मिक्सचर डू नॉट हैव इट्स ओन प्रॉपर्टी। मिक्सचर का खुद का कोई प्रॉपर्टी नहीं होता, जैसे कंपाउंड का अपना एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है, पानी उस वाटर अपना एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। जैसे वो किसी फायर को बुझा दे, मिक्सचर का अपना कोई यूनिक प्रॉपर्टी नहीं होता है। मिक्सचर में उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसी का प्रॉपर्टी समझ में आता है, ठीक है। जैसे एयर मिक्सचर है ना, एयर में उस ऑक्सीजन की भी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, कार्बन की भी प्रॉपर्टी समझ में आती है एयर में, नाइट्रोजन की भी प्रॉपर्टी समझ में आती है। तो एयर में जितने जितने गैसेस होते हैं ना, सबकी प्रॉपर्टी समझ में आती है, क्लियर, समझ में आ गया। एयर तो मिक्सचर में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी समझ में आती है, बट कंपाउंड का अपना खुद का प्रॉपर्टी होता है, अपना एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अब बोलोगे अमोनिया, अमोनिया में तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएगा, अमोनिया का एक अलग खुद का अपना एक पहचान होता है, खुद की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के नीचे वो फर्स्ट के बाद सेकंड है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, CONSTITUENT प्रेजेंट इन एनी रेशियो, एनी रेशियो, ठीक है, क्लियर। और इसका और एक बहुत बड़ा बात है कि इसका कोई फिक्स मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। मिक्सचर का कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, मिक्सचर डू नॉट हैव एनी फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर का अपना कोई फिक्स मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, यानी कि ऐसा नहीं है कि मिक्सचर जो है 100 डिग्री में बॉइल करेगा या 0 डिग्री में मेल्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 0 के मतलब कुछ भी टेम्परेचर, कि 0, 100 नहीं, कोई भी टेम्परेचर ले लो, मिक्सचर का कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता ही नहीं है। जैसे आइस का होता है, आइस 0 डिग्री, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री लेते हैं, क्योंकि 0 के ऊपर वो मेल्ट करना शुरू हो जाता है और 100 पर वो बॉइल करना शुरू होता है वाटर जब बनता है तो। बट क्यों? क्योंकि वो कंपाउंड है। मिक्सचर का कोई भी ऐसा कोई टेम्परेचर होता नहीं कि जिस पर वो बॉइल करे। हाँ, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट मेल्ट हो सकता है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट बॉइल हो सकता है, बट मिक्सचर जो है वो उसका कोई फिक्स मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता नहीं, ठीक है। नहीं समझे, मान लो आपने वाटर ले लिया, ठीक है, अब उस वाटर में आपने सॉल्ट मिला दिया, अब उसको गर्म किया आपने, तो वाटर वो पूरा का पूरा मिक्सचर बन गया, किसका, सॉल्ट मिक्सचर बन गया। अब जब आप उसको गर्म करोगे तो क्या वाटर के साथ सॉल्ट भी इवेपोरेट हो जाएगा? नहीं, केवल वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, सॉल्ट वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो क्या वो पूरा का पूरा मिक्सचर का एक फिक्स मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है? नहीं, केवल वो वाटर का था, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट का था, उस पूरे मिक्सचर का नहीं था, वो सॉल्ट सॉल्यूशन का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं था, वो केवल वाटर का था। समझ में आ गया? अगर मिक्सचर का होता तो पूरा का पूरा सॉल्ट सॉल्यूशन इवेपोरेट हो जाता, वैसा होता नहीं है। बट कंपाउंड में क्या होता है, उसका एक अपना एक मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे वाटर को गर्म करोगे तो पूरा का पूरा वाटर चला जाएगा 100 डिग्री पर, तो पूरे कंपाउंड का एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट है ना। तो मिक्सचर का अपना मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है मिक्सचर का, क्लियर। हाँ, कॉलिजन मतलब टकराना, ठीक है। तुम्हारा सेपरेशन मिक्सचर है? नहीं। अच्छा, ओके सर, अगर चीनी को पानी होने लगे तो मिक्सचर में डाल होगा? हाँ, मिक्सचर हुआ सर, उसको बॉईल करेंगे तो साथ में चीनी नहीं होगा। जब उसको गर्म करोगे तो बॉईल जरूर होगा, चीनी घुल जाएगा और अच्छा से घुल जाएगा, बट जब पहले इवेपोरेट होगा तो वाटर चीनी पड़ा रह जाएगा,
वाटर इवेपोरेट होगा, ठीक है, क्लियर, घुल जाएगा, बट बहुत ज्यादा गर्म करोगे ना, करते रहोगे जब वाटर भी तो इवेपोरेट होगा ना, वो 100 के ऊपर अगर गर्म करते रहोगे तो ऐसा एक टाइम आ गया जब पूरा का पूरा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, शुगर पड़ा रह जाएगा, क्लियर, समझ में आ रहा है? हाँ ऐसा होता है, देखे हो करके, देखे हो घर में ट्राई कर लेना, ठीक है, ओके, ठीक है, थोड़ा सा मिलाना शुगर, दो बूंद मक्खी चूस के तरह दो बूंद, थोड़ा सा मिलाना ज्यादा, ठीक है ना, खत्म हो गया। अभी देखो यहाँ पर इसको मिटा दो, ठीक है सर, लिख रहे सर, हो गया।